मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। हम में से कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि आज के वचन के लिए मैं तैयार हूं? अगर आप तैयार हैं तो बोले, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझसे बात करें, मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आज मैं बात करने जा रही हूं कि उस पैशन को हम कैसे वापस जगा सकते हैं जो परमेश्वर के लिए है, उस समय में खास तौर पर जबकि हमारा दिल कठोर हो चुका है। मैं तीन ऐसी चीजें आज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको फिर से वापस उस जगह पर ले आएंगी जहां पर आपने परमेश्वर से अपना पहला सा प्यार खोया था। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रभु कहते हैं मुझे तेरे विरोध में सिर्फ एक ही बात कहनी है और वो ये है कि तूने पहला सा प्यार क्यों खो दिया। तो कई बार कठोरता की वजह से, कई बार ऐसे सिचुएशंस की वजह से जिनमें से हम होकर गुजरते हैं, हमारा दिल पत्थर का हो जाता है, मोटा हो जाता है, कठोर हो जाता है, और इंग्लिश में ऐसे लिखे हार्डन्ड हार्ट हो जाता है। तो अगर उस सिचुएशन में आप हैं तो आप कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं? पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कभी आपको ऐसा लगा कि आप एबनॉर्मली इम्पेशेंट हो गए, यानी कि आप अच्छे भले होते हैं लेकिन अब कुछ समय से आप बड़े इम्पेशेंट हो गए, हर चीज को लेकर आप में पेशेंस की कमी दिखाई देनी शुरू हो गई है, या हर चीज में आप एरोगेंट हो गए, यानी कि आपको हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में जो है वो घमंड आ जाता है, आपको लगता है मैं खुद मैनेज कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, या आपको गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो गया और वो काफी अरसे तक जो है अगर चलता जाता है तो वो एक काम करता है और वो ये है कि आपके मन को कठोर कर देता है। तो ये जो फीलिंग्स होती हैं इनको बहुत जल्दी ही ध्यान देकर ठीक करना होता है। अगर इनको आप ध्यान नहीं देते या इन पर आप तवज्जो नहीं देते तो ये आपके मन को कठोर कर देती है और उसके बाद आप में और परमेश्वर में जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंट हो जाता है, दूरियां आ जाती हैं। अब एक और निशानी है जिससे पता चलता है कि एक कठोर हृदय कौन सा होता है, जबकि दूसरों को उसी चीज के ऊपर कंपैशन आती है, यानी तरस आता है, दया आती है, पर आपको नहीं आती, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो दिल है वो कठोर हो गया, सख्त हो गया। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसके 8वें चैप्टर में आप देखें 17th और 18th आयत में लिखा है, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी तुम नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते और तुम्हें स्मरण नहीं है? यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये बात कह रहे हैं, यानी वाजिब है कि मन कठोर हो जाए, हो सकता है कि ऐसे सिचुएशंस आए कि मन कठोर हो जाए, और जब मन कठोर होता है तो आप स्पिरिचुअलिटी के साथ चीजों को नहीं देख पाते। अब जैसे मान लीजिए आप जब प्रभु में बहुत तेज भागते हैं तो आपको हर चीज जो है आप फेथ के साथ उसका आंकलन करेंगे, आपको लगेगा कि मैं हर चीज जो है ना मैं अपने फेथ के साथ, मतलब कोई बात नहीं, अगर सिचुएशन में कुछ अच्छा नहीं भी दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लिए अच्छा होगा, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए जो है वो सच्चा ठहरेगा, मैं विश्वास करता हूं। तो जो एक इंसान का नरम दिल होगा वो वचन पर विश्वास करेगा और उन अनदेखी हुई चीजों को जो है फेथ के साथ रिसीव करता रहेगा। लेकिन जिसका मन कठोर हो गया है वो क्या करता है, वो स्पिरिचुअली चीजों को परसीव ही नहीं कर पाता, वो सिर्फ जो चीजें दिख रही होती हैं सिर्फ उसी के ऊपर ही जो है देख पाता है, उसी के ऊपर ही मेडिटेट कर पाता है और उसके बियॉन्ड नहीं देख पाता। जो कठोर दिल होता है वो मैं ऐसे कहूंगी कि स्पिरिचुअली अंधा हो जाता है और बहरा हो जाता है, यानी जिस बंदे का मन कठोर हो गया है तो जब परमेश्वर उससे बात भी कर रहे होंगे उसे लगेगा छट पर मुझे नहीं सुनने की जरूरत। वो जो कैरेक्टर्स हैं, ये जिन बातों के बारे में आपको बता रही हूँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन लोगों के जिनका मन कठोर हो जाता है परमेश्वर से। अब अगर हो गया है तो अब आपको क्या करना है? अगर तो उसी हालत में रहेंगे तो बैकस्लाइड हो जाएंगे फाइनली, अगर उसी हालत में रहेंगे तो परमेश्वर से नाता टूट जाएगा फाइनली। तो करना क्या है, इसको वापस से रिपेयर करना है। अगर आपके घर में किसी चीज को आप देखते खराब हो गई है तो आप उठा के चीज नहीं फेंक देते। अगर मान लीजिए आपका बड़ा महंगा टीवी है और उस टीवी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप मैकेनिक को बुलाते हैं, आप उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। आपकी कोई भी महंगी चीज होगी आप उसको फेंकेंगे नहीं, आप उसको रिप्लेस करना चाहेंगे या आप उसकी रिपेयर करना चाहेंगे। तो जब परमेश्वर के साथ हम रिश्ते की बात करते हैं तो इस रिश्ते को जब अलगाव आ जाता है या इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको रिपेयर करते हैं, चीजों को रिप्लेस करते हैं। आमीन। क्या क्या चीजें हैं जिन्हें करने की जरूरत है? तीन प्राइमरीली चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहली बात यह है कि जब आपने रियलाइज कर लिया है कि आपका मन कठोर हो गया है तो उसको उसी सिचुएशन में नहीं रहने देना,
जब पता लग गया कि टीवी खराब हो गया तो आप कितने विचलित हो जाते होंगे, टीवी ठीक कराओ जी, मेरे ड्रामे आने हैं, मेरे प्रोग्राम लगने हैं, तो कितने आप वो हो जाते होंगे ना कि जी अब घर में इम्पेशेंट हो जाते होंगे। तो अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता खराब हो रहा है और मन कठोर हो गया, तो सबसे पहला काम जो करना है वो रिपेंट करना है, उसको फटाफट ठीक करने की कोशिश करनी है। तो रिपेंटेंस में आई एम श्योर ये एक ऐसी चीज है जो आप कहेंगे कि पास्टर नहीं तो ये तो हमें पता है कि रिपेंट करना है, पर देखिए जब आप वचन में पढ़ते हैं, हम कठोरता की बात करते हैं, तो इस बात को कम से कम 20 बार पुराने और नए नियम में मेंशन किया गया है। यानी एक सीरियस टॉपिक है जिसको परमेश्वर बड़ी क्लोजली देखते हैं। तो इसीलिए रिपेंट करने की जरूरत है कि अगर आपके मन में कठोरता आ गई है, जैसे वचन में लिखा है मती रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 13 को जब आप पढ़ते हैं और उसकी 15 आयत में लिखा है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। मोटा को आप हार्डन्ड भी कह सकते हैं, कठोर भी कह सकते हैं। और लिखा है वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आंखों से वो देख सके और कानों से वो सुन सके और मन से वो समझ सके और फिर जाए। फिर जाए मतलब कि रिपेंट करें, और लिखा है मैं उन्हें चंगा करूं। याद रखें कि जब आपका मन कठोर हो जाएगा आप परमेश्वर से हीलिंग को रिसीव नहीं कर सकेंगे। बहुत बार लोग ये गलती करते हैं, उन्हें ये लगता है कि जो बॉडी की हीलिंग की जरूरत है या बॉडी की जो प्रॉब्लम है उसको सिर्फ चंगाई की जरूरत है, आपके लिए चंगाई की प्रार्थना होगी और आप हील हो जाएंगे, आपके लिए चंगाई की प्रार्थना हो जाएगी और सब कुछ ज्यों का त्यों हो जाएगा। जब तक आप रूट पे काम नहीं करेंगे, जब तक आपकी जड़ पर आप काम नहीं करेंगे, तब तक हीलिंग आप रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। यहां क्या लिखा है, लिखा है प्रभु कहते हैं कि उनका मन जो है कठोर हो चुका है कि वो देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे, सुनते हुए भी नहीं सुन पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और उनकी हीलिंग जो है वो रुक जाएगी। सो आज मेरे अजीजों, अगर आपकी लाइफ में आपने बार बार हीलिंग के लिए प्रार्थना की है जी, प्रोफेस किया है, आपने प्रोक्लेमेशंस की हैं पर आप ठीक नहीं हुए हैं, आपने अलग अलग पास्टर्स से दुआएं करा ली और आप ठीक नहीं हुए हैं, आपने हीलिंग इवेंजलिस्ट से दुआएं करा ली और आप ठीक नहीं हुए हैं, आप मेडिसिन पर हैं और आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो याद रखें हो सकता है वो जड़ आपकी कठोरता की वजह से है। अब वो कठोरता सिर्फ ये नहीं है कि आपको प्रभु से कोई ग्रज है या आपने प्रभु की किसी बात को पकड़ लिया कि प्रभु ने आपकी लाइफ में इस काम को आपके तरीके से नहीं किया इसीलिए आप परमेश्वर से जो है वो नाराज है या कठोर हो गया आपका मन, वो भी रीजन हो सकती है, या किसी और की कोई बात जो आपको ठोकर खाने के लिए आपके पास आई या आपको लगी और आपने वो बात पकड़ ली और आज तक आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। यूजुअली जब हम बात करते हैं और इस बात को कहते हैं कि जी लोगों को आप प्रभु में होकर माफ करें, तो कई बार लोग माफ कर पाते हैं, पर एक चीज और आपको बताऊं, ये एक बेसिक चीज है कि आपको माफ करना है क्योंकि आपको खुद भी माफी चाहिए, लेकिन इससे ऊपर भी एक काम है और वो ये है कि जब आप माफ कर देते हैं तो आपको उस स्ट्रिंग को, उन रस्सियों को जिनको आपने खींचा हुआ है उस इंसान की तरफ से कि जी आपको याद आई, आपको बुरा लगा, आप कठोर हो गए, आपका मन जो है वो विचलित हो गया, अब उस रस्सी को आपको छोड़ना है। जब तक आप उस रस्सी को छोड़ेंगे नहीं आप आजाद नहीं होंगे। सो ये आपने किसी के लिए नहीं कि अगर आज भी किसी के बारे में सोचकर आपका मन जो है वो हेट्रेड से भर जाता है, नफरत से भर जाता है, कठोरता के साथ भर जाता है, तो याद रखें ये आप ही के जीवन को नुकसान कर रहा है। सो आपको रिपेंट करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु तो कहते हैं किसी बात की चिंता ना कर, और हम क्या करते हैं कठोरता में, हम चिंता ही तो करते हैं ना, हम ये कम चिंता करते कि हम क्या करेंगे, हम ये ज्यादा चिंता करते वो मुझसे आगे ना निकल जाए, हम ये ज्यादा चिंता करते हैं कि अच्छा जिस इंसान ने मेरे जीवन में गड़बड़ की उसके जीवन में अभी तक गड़बड़ क्यों नहीं हुई है, होनी चाहिए थी, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जी पलटा लेना परमेश्वर का काम है। तो चिंता क्या कर रहे हैं आप, अपनी चिंता नहीं कर रहे, आप उसकी चिंता कर रहे हैं जिसने आपके मन को दुखा है। तो उनकी वजह से आप उस कठोरता को और मजबूत होने का मौका देते हैं। अगर मान लीजिए आपने गमले में फूल उगाए हुए हैं और आप उसको एक दिन पानी नहीं दे, दो दिन पानी नहीं दे, तीन दिन पानी नहीं दे, तो आप देखेंगे कि मिट्टी सूखनी शुरू हो जाएगी, चार दिन आप पानी नहीं दे उसके पत्ते मुरझाने शुरू हो जाएंगे, फूल जो है वो बेचारे मुरझा जाएंगे और आप देखेंगे उस जो ड्राइड मिट्टी है, सूखी हुई मिट्टी में आपको दरारें दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप उसको फिर भी पानी नहीं दे तो मिट्टी जो है वो टूटनी शुरू हो जाएगी, गमले के अंदर ही उसमें दरारें इतनी बढ़ जाएंगी कि वो जगह जो है आपको खाली दिखाई देनी शुरू होगी और उसके बाद जड़ें भी सूखनी शुरू हो जाएंगी।
बस यही काम होता है जब आप रिपेंट नहीं करते परमेश्वर के सामने, बस यही काम होता है जब आप अपने दिल को परमेश्वर के वचन के साथ सींचने का मौका नहीं देते, बस यही काम होता है जब आप अपने कानों को अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं क्योंकि आप इतना कठोर फील कर रहे हैं, आप इतना बैड फील करते हैं उस चीज को लेकर जो आपके साथ पास्ट में हो चुकी है। इसलिए मेरे अजीजों, रिपेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप अपने दिल को और कठोर नहीं रख सकते। अगर आप कठोर रखेंगे तो एक समय आएगा कि आप टूट सकते हैं। इसलिए जहां परमेश्वर की माफी पाने की जरूरत है वहां परमेश्वर से माफी मांगे, जहां दूसरों को माफ करने की जरूरत है जरूरी नहीं है कि वो आपके पास आकर माफी मांगे, आप उन्हें माफ करें। जरूरी नहीं है कि वो आपके पास आकर रिपेंट करेंगे और आपको कहेंगे कि उन्होंने गलती की है, पर अब आप उन्हें छोड़ दें, अपने मन से उस कठोरता को निकाल दें, वो जो रस्सी जिसे खींचकर आप अब तक जी रहे थे, अब उस रस्सी को छोड़ने का समय आ गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपकी हीलिंग इस वजह से रुकी हो सकती है कि आपकी कठोरता आपको वो हीलिंग लेने से रोक रही है। आई होप आपको समझ में आ रही है। और जब आप रिपेंट करेंगे, जब आप परमेश्वर के सामने इस बात को मान लेंगे, अपने मन को फिराएंगे, यहां पर क्या लिखा है, मन फिराने की बात की गई है कि कानों से सुने और ना समझे, और मन से समझे नहीं तो क्या है, और फिर जाएं, ऐसा ना हो कि फिर जाएं, और लिखा है फिर क्या होगा, फिर प्रभु उनको चंगा कर देंगे। आप जब फिरेंगे, जब आप रिपेंट करेंगे, फिर परमेश्वर आपकी धरती को ज्यों का त्यों कर देंगे, आपके मन को ज्यों का त्यों कर देंगे। आमेन। तो ये पहली चीज है जिसका ख्याल रखने की हमें जरूरत है कि अगर हमारा मन कठोर हो गया है तो हमें दोबारा से परमेश्वर के साथ पैशनेट होने के लिए सबसे पहला काम रिपेंटेंस करना है, मान लेना है और प्रभु के सामने आकर अपने आप को वापस उस चीज में जो है प्रभु के प्यार में वापस लेकर आना है, रिपेंटेंस के साथ, फॉरगिवनेस के साथ। दूसरा काम हमें जो करना है वो ये है कि हमें परमेश्वर की हजूरी में बैठकर पवित्र आत्मा से ये बात पूछनी है कि प्रभु आप मुझे वो सोर्स रिवील करें कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं कठोर हो गया हूं। कई बार आपको याद नहीं रहेगी बातें, कई बार आपके मन में जो है वो चीज जो निकल चुकी होगी, या आपके मन में आपको याद दिलाने के लिए जो है चीजें पर्याप्त नहीं होंगी या अप्रोप्रिएट नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर की मदद लेनी है और प्रभु आपको एग्जैक्ट चीजें रिवील करेंगे कि आपने कहां पर क्या चीज जो है वो पकड़ रखी है जिसको आपको छोड़ने की जरूरत है। क्या कोई ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपने अपने बारे में पाल रखे हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जो आपने दूसरों के बारे में एक एक धारणा, एक पर्सपेक्टिव बना रखा है? कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर के वचन के साथ अलाइन नहीं करती है? कौन सा ऐसा बिलीफ है, कौन सी ऐसी सोच है जो परमेश्वर के वचन के साथ मेल ही नहीं खा रही है? आप प्रभु से पूछें कि कौन सी ऐसी प्रार्थना है जिसकी वजह से आपका मन कठोर हुआ है, प्रभु से पूछें। और जब प्रभु आपको बताएं, जब आप प्रभु के साथ समय बिताएं, तो डिसाइड करें कि मुझे इस चीज से निजात चाहिए, मुझे इस चीज से बाहर आना है। और एक काम और करना होता है, एक होता है इन एक्शन, यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे इस बारे में, उसको रिप्लेस करना है आपको। तभी मैंने शुरू में बात की थी कि आप रिप्लेस करते हैं। अगर मान लीजिए आपका टीवी खराब हुआ या आपका फोन खराब हुआ, आप पहले रिपेयर करेंगे, अगर रिपेयर करके ठीक नहीं हुआ तो आप उसको रिप्लेस करेंगे। यहां पर भी इन एक्शन को एक्शन के साथ रिप्लेस करना है कि अभी तक आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, अभी तक आपने सोचा ही नहीं कि इस चीज का कोई नुकसान भी हो सकता है, अभी तक आपको उस चीज से कुछ भी सारोगार नहीं था। अब जब आपको पता चल गया तो अब आपको अपने इन एक्टिविटी को एक्टिविटी के साथ रिप्लेस करना है। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी सेहत जो है वो गलत खाना खाने से हो रही है खराब, तो आप क्या करेंगे उस चीज का? आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ अगर मेरी गलत खाना या जो बाजार का खाना खाने से जो सेहत खराब हो रही है, मैं ऐसे ही चलता जाऊंगा, वो आपका इन एक्शन होगा। पर जैसे ही आपको पता चले कि आपकी सेहत पर इस चीज का गलत इफेक्ट हो रहा है, आप क्या करेंगे? आप उस चीज को रोकेंगे, उसको छोड़ेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे हेल्थी खाने के साथ। सो ठीक है, ऐसे ही जब आपको समझ में आ गया कि आपके जीवन की कठोरता, बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस, हार्डनेस, ये जो है ये सब कुछ किस वजह से है, अब आपको क्या करना है, आपको उस चीज को रिप्लेस करने की जरूरत है। और अगर आप ये याद रखते हैं, अगर मैं भी आपसे ये पूछूं कि आपको याद है आपके साथ लास्ट टाइम किसी ने बुरी तरह बात कब की थी? चले अगर मैं यही पूछ रही हूं आपसे, जरा सोच के देखें कौन इंसान आता है आपके मन में।
अगर आपके मन में वो बंदा आ रहा है ना जिसने आपसे लास्ट टाइम जब भी आपने बात की तो उसने आपसे बुरे तरीके से बुरे रवैये के साथ आपके साथ सलूक किया, अगर आपको अभी भी याद आ रहा है, इसका मतलब वो बिटरनेस की जड़ है जो ऑलरेडी आपके शरीर में आपके दिल में डल चुकी है। बस यही मैं समझा रही हूँ। और अगर अभी आपको पता चल गया कि हाँ ये बिटरनेस है, ला सकती है ये चीज जो है मेरे दिल को कठोर कर सकती है, तो आज ही अभी इस मैसेज को सुनते ही इस जड़ को निकाल दे, उस कड़वी जड़ को निकाल दे ताकि वो आपको कठोर ना कर सके। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? प्रभु का धन्यवाद हो। अपनी पेन में से आप बाहर आ सकते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज मैंने सीखी और वो ये थी कि अगर आपको किसी की बात बुरी लग गई, आप एक रिलेशनशिप में अगर आपको किसी की बात बुरी लग गई है, तो इस बात को इवैल्यूएट करें कि आपके लिए क्या मायने रखता है। आपके लिए वो रिलेशनशिप मायने रखता है कि आपके लिए बात मायने रखती है? अगर तो आपके लिए रिलेशनशिप मायने रखता है तो बात को भूल जाएं, अगर आपके लिए बात मायने रखती है तो फिर रिलेशनशिप को भूल जाएं। आप किसको ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं? क्या आप अपने उस रिश्ते को वैल्यू कर रहे हैं या आप उस आर्ग्यूमेंट या उस बात को वैल्यू कर रहे हैं? आपका मन कठोर हो रहा है, उसकी जड़ तक पहुंचे। परमेश्वर आपको पहुंचाएंगे उसकी जड़ तक, और जब आप वहां पहुंचे तो उसको निकाल कर उसकी जगह परमेश्वर की फॉरगिवनेस को, परमेश्वर के प्यार को जो है बो दें, ताकि आप अपने जीवन में भी सुखी हो सके और उस बंदे से भी आप जो है बुरे रिश्ते में से बाहर निकल कर उसके साथ एक एक नॉर्मल रिलेशनशिप में वापस आ सके। तो ये दूसरी चीज है जो हम कर सकते हैं। तीसरी बड़ी प्रैक्टिकल चीज है और वो ये है कि हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं, उनको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि पास्टर नहीं तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल सी थिंग कि यू नो लविंग अदर्स और सर्विंग अदर्स, नहीं, आई एम टेलिंग यू वेरी, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप का मन बड़ा खुश होगा, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब आपका मन बड़ा गुड मूड में होगा, आपका मन करेगा कि जी मैं किसी से बात करूं, आपका मन करेगा मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड करूं, आप बट नेचुरली उस बंदे को प्यार से जवाब भी देंगे और उसको सर्व भी करेंगे। अगर मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आप कुछ लेकर आए हैं खाने के लिए, तो आपने ऑर्डर दिया है तो आप जाकर लेके आएंगे बिकॉज यू आर सो हैप्पी अबाउट इट, आपकी लाइफ में खुशी है तो आप खुद सर्व करेंगे। तो जब आप खुश होते हैं, जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप सर्व करते हैं, लेकिन जब आपका मन कठोर हो जाता है तो आप प्यार भी नहीं कर पाते और सर्व भी नहीं कर पाते। डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो अगर आपको परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की कलीसिया में या अपने घर में किसी से प्यार करना या उनको सर्व करना मुश्किल लग रहा है और आपको लगता है कि इट इज़ यू नो मैं नहीं कर पा रहा, मेरे लिए बड़ा भारी हो गया है, मैं तो थक जाता हूँ ये करता करता, तो समझ लें कि आपका मन कठोर हो रहा है, कहीं ना कहीं वो फर्क दिखाई देगा आपको। तो जब आप दूसरों को सर्व करेंगे, देखिए पहला जॉन जब आप पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4 चैप्टर और उसकी 7 आयत में लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, यानी अब बात हो रही है ब्रदरन की, यानी जो लोग प्रभु को जानते हैं, जो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि हम आपस में प्यार रखें तो क्या होगा, क्योंकि प्रेम मोहब्बत किसकी ओर से है, प्रभु की ओर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। So, अगर आपकी लाइफ में प्यार नहीं है तो सिंपल सी बात है, जैसे पहला कुरंथियों आप पढ़ते हैं 13 पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत को जब पढ़ते हैं तो लिखा है चाहे मैं जो मर्जी कर लूं, चाहे मैं मनुष्यों की बोलियां बोल लूं, चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोल लूं, चाहे मैं जितना भी एफर्ट कर लूं, लेकिन प्यार ना रखूं तो क्या है, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जांच है। तो इसलिए याद रखने की जरूरत है कि जब आप परमेश्वर के प्यार से भरे हुए होंगे, जब आपका मन कठोर नहीं होगा, तभी वो आपके दिल से प्यार निकलेगा जो आप दूसरों को दे सकते हैं। और अगर आप खुद हार्डन्ड हैं, खुद आपका मन जो कठोर है, तो आप प्यार नहीं कर पाएंगे, आप सर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब जब आपको ये लगे कि आपका मन कठोरता के साथ भरा हुआ है, तो थोड़ा एफर्ट लगाकर किसी को सर्व करने की कोशिश करें, थोड़ा एफर्ट लगाकर किसी से प्यार करने की कोशिश करें, थोड़ा एफर्ट लगाकर किसी की मदद करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, आपके मन की जो कठोरता है वो टूटनी शुरू होगी, वो कठोर जो धरती है वो पानी से, परमेश्वर के प्यार से सींचनी शुरू होगी और आप बेटर फील करेंगे। और जब आप दूसरों से प्यार करेंगे, जब आप दूसरों को सर्व करेंगे, आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्टली परमेश्वर से भी कनेक्ट होंगे।
बिकॉज वचन में जब आप पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे हवाले, बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस दी गई हैं जहां पर यह बात कही गई है, जो हम दूसरों के लिए करते हैं हम परमेश्वर के लिए करते हैं, जो हम दूसरों के लिए करते हैं हम परमेश्वर की इच्छा में होकर करते हैं, जो हम दूसरों के लिए करते हैं उससे परमेश्वर खुश होते हैं. सो बड़े सारे डिफरेंट रेफरेंसेज हैं जिनमें हम ये बात समझ सकते हैं, दैट वेन वी आर डूइंग समथिंग गुड टू अदर्स, समथिंग गुड फॉर अदर्स, वी आर एक्चुअली सर्विंग द लॉर्ड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. आमेन. सो परमेश्वर आपके मन की कंडीशन को बहुत मायने देते हैं और वो जानते हैं कि आप किस स्ट्रगल में से और किस चैलेंज में से होकर गुजर रहे हैं. सो जो कुछ भी आपके मन में है आप परमेश्वर के सामने रख सकते हैं और बता सकते हैं कि प्रभु मैं इस चीज में से निकल रहा हूं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं दूसरों को सर्व करके आपके साथ वापस से उस अच्छे रिश्ते में आ सकूं, उस पैशन के रिश्ते में आ सकूं. और एक बात और याद रखें, प्रभु आपसे नाराज नहीं है, प्रभु आपसे नाराज हो भी नहीं सकते हैं. और अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज या ऐसा काम है जिसकी वजह से आपको लगता है कि परमेश्वर नाराज है, इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द लॉर्ड. अगर ऐसा कुछ है तो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो आप माफी के साथ परमेश्वर के साथ वापस नहीं जोड़ सकते. वो आपको माफी के साथ परमेश्वर के पास वापस ले जाएगा वो रास्ता. सो इसलिए इस बात को याद रखें कि जब आप दिल को सॉफ्ट करने की बात करते हैं, जब मन को नरम करने की बात करते हैं और अपने पूरे शरीर में, अपनी पूरी जान में परमेश्वर के रिलीफ को महसूस करने की बात करते हैं, तो आपको माफी भी मांगनी आनी चाहिए, माफ करना भी आना चाहिए, आपको सर्व करना भी आना चाहिए, आपको अपनी अपना कहते हैं ना गार्ड आपने रखा है कि जी नहीं मैं ये दीवार के अंदर ही रहूंगा, उस दीवार को गिराना भी आना चाहिए और फिर से परमेश्वर में प्यार के साथ दूसरों को एम्ब्रेस करना भी आना चाहिए. सो जब आप ये तीन कामों को करेंगे आप देखेंगे कि आपका मन एक बार फिर से जो कठोर हुआ हुआ था एक बार फिर से वो जो है नरम होगा, उसे मौका मिलेगा कि वो परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में दोबारा से आ सके जैसा प्रभु चाहते. आमेन. सो मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ पाए हैं कि कठोर मन को हम वापस से परमेश्वर में पैशनेट कैसे कर सकते हैं और रीइग्नाइट कैसे कर सकते हैं, और इन तीन चीज़ों को करके आई एम श्योर आप अपनी लाइफ में फ़र्क को देखेंगे. आमेन. सो आज के वचन में मैं यही आपको कहकर बढ़ाना चाहूँगी, परमेश्वर में उन्नत करना चाहूँगी कि ये तीन काम, ये तीन स्टेप्स करके देखें और परमेश्वर आपको एक बार फिर से उस जगह पर स्थापित करेंगे, उस जगह पर लाकर खड़ा करेंगे जहां से शायद आपका पैर स्लिप हुआ हो या आप गिरे हो. आइए इस समय हम प्रार्थना में चलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं. कितने लोग हैं जो कहते हैं कि ये वचन मेरे लिए था आज? कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस वचन में से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है आज? परमेश्वर का धन्यवाद हो. आइए इस समय हम प्रार्थना में चलते हैं और अपने मन को एक बार फिर से तैयार करते हैं. पवित्र 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 जिंदा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आप अति पवित्र अति महान परमेश्वर हैं. प्रभु मैं बहुत खुश हूं इस बात को जानते हुए कि आप समय समय पर हमें दोबारा से एस्टैब्लिश करते हैं और आपके वचन के साथ, आपके पाक रूह की मामूरी के साथ प्रभु आप हमें उस जगह पर वापस ले आते हैं जहां से शायद हमने अपने जीवन को एक नया मार्ग दिया हो जो आपकी ओर से नहीं है. मेरी प्रार्थना है कि आज जितनों ने भी इस वचन को सुना है, आपके बेटे और बेटियों के कानों में जब ये वचन पहुंचा है, तो होने दे मेरे परमेश्वर कि आपका ये वचन उनके जीवनों में आकर काम करे, उनके मन से बात करे, उनके हालातों से बात करे, और जिन चीजों को वो अभी अपने कैपेसिटी में होकर मैनेज नहीं कर पाते, वो आप में होकर, पवित्र आत्मा प्रभु आपकी हजूरी में होकर आपके बल के साथ मैनेज कर पाए. प्रभु जहां उन्हें रिपेंटेंस की जरूरत है वो जानने पाए कि उन्हें अपना मन कठोर रखने की नहीं पर आपके नजदीक आने की जरूरत है. जहां पर परमेश्वर उन्हें दूसरों से प्रेम करने की जरूरत है वो जानने पाए कि ये प्रेम आपकी ओर से उमड़कर उनकी जिंदगियों को छुएगा. जहां पर प्रभु उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है वो जानने पाए कि परमेश्वर पिता आप उन पर इन बातों को पवित्र आत्मा के जरिए से जाहिर करेंगे. मेरी प्रार्थना है पिता
आज आपके लोग अगर चंगाई नहीं पाए तो होने दे कि प्रभु वो उस जड़ तक पहुंचने पाए जिसकी वजह से उनकी चंगाई रुकी हुई है। और अगर आज कोई भी ऐसा जन है जिसने चंगाई नहीं पाई और पाना चाहते हैं, तो प्रभु जब वो इस जड़ को खींच कर बाहर निकाले, तो मैं आपके चंगाई वाले वचन को इस जगह से रिलीज करती हूँ कि प्रभु आपका वचन उस जगह पर, जो जगह खाली हुई है, उस जगह पर जाकर फिट हो जाए और उनकी बीमारी उनके शरीर से, उनकी बीमारी उनकी जिंदगी से, उनकी बीमारी उनके मन से उखाड़ कर बाहर फेंकी जाए प्रभु यीशु के नाम। मैं महसूस कर पा रही हूं कि इस जगह पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत आंकलन करते हैं, बहुत जज करते हैं दूसरे लोगों को। इस जगह पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को जज करते हैं और खासतौर पर पासवानों को जज करते हैं, उन लोगों को जज करते हैं जो परमेश्वर का कलाम सुनाते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहती हूं, जजमेंट हमारा काम नहीं है और जजमेंट परमेश्वर की ओर से होती है, जजमेंट इंसानों की ओर से नहीं होती है। अगर आप वो इंसान हैं जो जज करते हैं, हर एक इंसान की गलतियों पर तवज्जो देते हैं, तो आज प्लीज अपने मन से उस कड़वी जड़ को उखाड़ फेंके, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के लोगों का आदर करना नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने मन को कठोर होने से नहीं रोक पाएंगे, तब तक आप परमेश्वर में ना तो आगे बढ़ने पाएंगे और ना ही अपनी चंगाई को रिसीव करने पाएंगे। अगर आज इस प्लेटफॉर्म पर बात करते हुए आपको प्रभु जाहिर कर रहे हैं कि आप वो इंसान हैं जिन्होंने पिछले दिनों में परमेश्वर के लोगों को जज किया या उन पर उंगलियां उठाई, तो मैं आपको हाथ खड़ा करने के लिए नहीं कहूंगी, पर मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपनी ही जगह पर अपने मन को परमेश्वर के सामने लेकर आए और माफी मांग कर अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सही करें। इस बात को बोले कि प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने आपके जन के ऊपर प्रभु उंगली उठाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने आपके जन को जज किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरे मन में ऐसी बात आई और प्रभु मैंने अपने मुंह से निकाली, प्रभु मैं आपकी माफी पाना चाहता हूं, मैं आपकी ओर से क्षमा पाकर प्रभु अपने जीवन को सुधारना चाहता हूं। अपने मुंह से इस बात को बोले, और जब आप ये बात बोल रहे होंगे ना, आप उस कड़वी जड़ को निकाल रहे हैं। मैं बहुतों को देख रही हूं इस समय कि आपके जीवन से ये कड़वी जड़ निकल रही है ताकि आप परमेश्वर में उन्नति पा सकें। इट इज फॉर यू। कोई अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है वो उनके और परमेश्वर के बीच की बात है, आप बुरे मत बने। आप अपने रिश्ते को साफ करें। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज जब आपके लोगों ने प्रभु अपने मन को आपके सामने लाकर फिराया है, आपसे माफी मांगी प्रभु, जो चीज आपने जाहिर की मेरे खुदा, उसको आपने दिखाकर मेरे प्रभु अपने लोगों को रिहा होने का मौका दिया है, और जितनों ने आज उस मौके को उठाया है प्रभु, मेरी प्रार्थना है अगर उनके शरीर में कोई भी ऐसी लाइलाज बीमारी भी क्यों ना हो जिसने उनके शरीर पर कब्जा किया हुआ है, इसी समय मेरी आवाज के प्रभाव के नीचे वो बीमारी के चंगुल टूटे प्रभु यीशु के नाम में। वो बीमारी के चंगुल इसी घड़ी टूटे प्रभु यीशु के नाम में, छूटे 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 प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आपके लोगों को आप रिहा करके उन्हें चंगाई से भर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूं, आपका धन्यवाद देती हूं मेरे परमेश्वर कि आपने अपने लोगों को एक बार फिर से रिहा करके खड़े होने का मौका दिया है। प्रभु मैं आपकी चंगाई को बोलती हूं, और जैसे ही मैं आपकी चंगाई को भेजती हूं, होने दे मेरे खुदा कि आपकी चंगाई उन उन जगहों पर, उन उन ऑर्गन्स में आकर फिट हो जाए जहां पर उन्हें इस हीलिंग की जरूरत है। आपकी छाती की कंजेशन प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, आपकी पल्मोनरी डिजीजेस प्रभु यीशु के नाम से ठीक हो, आपके डर की दुष्टात्मा प्रभु यीशु के नाम से शरीर को छोड़कर जाए, और आपकी बॉडी में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रभु यीशु के नाम में चंगाई आकर रुक जाए, आपके कानों में, आपकी आंखों में, आपके मन में प्रभु यीशु की चंगाई इस समय आकर ठहर जाए, आपके दिमाग की हर एक नस में, आंखों की हर एक नर्व में, पैरों की हर एक लिगमेंट और मसल में
बाजुओं के हर एक बोन में प्रभु यीशु के नाम में चंगाई आकर ठहर जाए, और हर एक ऐसी बीमारी जिसको डॉक्टर्स कहते हैं कि ठीक नहीं हो सकती, आज जब आपने रिपेंट किया है, आज आपने जब उस कड़वी जड़ को निकाल फेंका है, तो आपके लिए प्रभु का हाथ ऐसा खुल जाए कि वो लाइलाज बीमारी भी प्रभु यीशु के नाम से ठीक हो जाए। आप अपनी आंखों से अपने बड़े चमत्कार को देखने पाए और आप जानने पाए कि आपने परमेश्वर की बात को माना और ओबीडियंस के साथ जिस काम को किया, प्रभु ने उसका अजर आपको यह दिया कि परमेश्वर ने आपको एक बार फिर से ज्यों का त्यों करके खड़ा किया। धन्यवाद पिता, महिमा के राजा, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। अति महान परमेश्वर, सारा धन्यवाद आपको देते हैं। जिंदा सेनाओं के यहोवा, आप ही को सारी महिमा और आदर देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जयवंत नाम में होकर मांग लेते हैं, और प्रभु के सब लोग जो विश्वास करते हैं कहेंगे आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस आजादी के लिए। और अब जब आप अपने शरीर में बेहतरी को देखेंगे, आप जानने पाएंगे कि क्या कमी थी जिसकी वजह से अभी तक ठीक नहीं हुए थे, और आज जब आप ठीक हुए हैं तो जरूर अपनी गवाही शेयर कीजिएगा। आमीन।